हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाल आ सिंपल सा केक है ना ट्राई करे सिखाऊं चलो आगे चलते हैं कुछ नहीं है ये एक नॉर्मल सा चॉकलेट केक था हाफ के जी का 6 इंच टिन में जिसके अंदर मैंने डाला था 260 ग्राम बैटर तो बैटर बनाने के लिए जो था वो था 220 ग्राम हमारा फ्रॉम स्क्रैच या प्रीमिक्स का मिक्सचर ठीक है। अब ये बाहर से केक आइसिंग का रहने वाला है इसीलिए उसको मैं क्रीम का ही क्रम कोट दे रही हूँ ठीक है। नॉर्मल जैसे क्रम कोट करते वैसे हल्की सी क्रीम देखे पूरी तरफ से उसको लगा दिया अच्छे से उसको मैंने प्लेन कर दिया है ठीक है। अब क्या करना है आप पाइपिंग से करते हो पाइपिंग से करो मुझे बिना पाइपिंग की आदत है मैं बिना पाइपिंग की करूँगी ठीक है। तो अब देखो ये हम क्रम कोट कर रहे हैं क्रम कोट को भी मैंने स्मूथ कर लिया ओके। आई नो ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है लेकिन इसको आप जब बार बार करोगे ना आपकी फिनिश बहुत अच्छी होगी और जब फिनिश अच्छी होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लेकिन नो प्रॉब्लम अभी भी आपका कॉन्फिडेंस हाई रखो कोई बात नहीं दिल से प्यार से बनाया है अच्छा ही बनता है। हम खाना नहीं बनाते क्या घर में कभी कभार मिर्ची नमक कम हो जाता है ना ओके। अब देखो नॉर्मल मैंने क्या किया वाइट क्रीम में हल्का सा ब्राउन कलर डाला भले वो जेल कलर हो लिक्विड कलर हो कोई भी और उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे मैट फिनिश हो गया फिर वो है ना ऐसा ऑफ वाइट सॉर्ट ऑफ साइड से भी मैं उसको बिना पाइपिंग के ही लगा रही हूँ। देखो लेने का क्रीम उधर रखने का और हल्का सा आगे पुश करने का पीछे नहीं जाने का ये देखो रखा और मैं आगे की तरफ पुश कर रही हूँ और दबाना नहीं है अभी हमारा काम है उस जगह को छुपाना हुँ? अब यहाँ से हमारा स्क्रैपिंग शुरू होता है जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ एक्स्ट्रा लगाओ है ना और जो एक्सेस है वो निकल जाएगा कैसे स्क्रैपिंग से हुँ? चलो अभी हम स्क्रैप करेंगे इसको हल्के हाथों से करना है मोटा हाथ नहीं रखना है दबाना नहीं है इसको ओके। अब देखो हो गया ये ऊपर का प्लेन वही मेरा मेथड साइड का ऊपर से स्क्रैप करो ऊपर से फिर से स्मूथ करो खलास। मैं इसके ऊपर के एजेस पे इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन। अब ये मैंने छोटा सा स्टार नोज़ल लिया है आप कोई भी नोज़ल ले सकते हो आपके ऊपर है पर ये छोटा वाला स्टार नोज़ल है और जिस तरह डिज़ाइन मुझे दी गई थी उसी से सिमिलर बनाने की कोशिश की है। तो क्या कर रही हूँ मैं ये स्टार नोज़ल है इसका लंबा लंबा पट्टा खींच रही हूँ गोल करके लंबा गोल करके लंबा देखो आप खुद ही उसको गोल किया अब लंबा गोल किया लंबा सेम कलर की आइसिंग है कोई अलग नहीं है हुँ? अब नीचे भी वही कर रही हूँ मैं लेकिन लंबा लंबा हम कैसे छोटे 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 लेते हैं ना ये देखो लंबा खींचना है। वाह भाई बहुत इजी डिज़ाइन है ये बहुत इजी डिज़ाइन है बनने में भी फास्ट है दिखने में भी मस्त है। हाँ अब देखो बीच में से भी इसमें चाहो तो एक्चुअली ना थोड़ा और छोटा नोज़ल लेती तो अच्छा लगता था क्योंकि जो केक का मुझे पिक दिया गया था वो थोड़ा टॉल था तो उतना गैप था कि मैं ये सेम नोज़ल यूज़ कर सकती। अब देखो ये मैंने एक ब्लैक कलर की आपको तो केक के हिसाब से जो कलर चाहिए वो मिल हो सकता है इस केक पे मेरे को ब्लैक करने का था तो मैंने आधा इंच से भी जो छोटा वाला होता है ना ब्लैक कलर का वो सैटिन रिबन लिया और उसके इस तरह से रिबन्स बना दी बो बना दिए ठीक है। अब ये प्लस साइन में रखना है आपको एक इधर रखेंगे तो एक उसके सामने रखेंगे ओके। अब फिर एक इस बाजू रखेंगे तो एक उसके सामने रखेंगे हम ओके और एक ये लास्ट ये टॉल केक में भी बहुत मस्त लगता है बहुत मस्त। देखो अभी एक्चुअली ना नाम लिखना था ऊपर हैप्पी बर्थडे जो मैसेज है पर मेरा हाथ पूरा कवर हो गया पर ये मैंने क्या किया नॉर्मल बेकिंग पेपर के ऊपर अंदर मैंने कोन बना के गनाश भरा और उससे नाम लिख दिया था ये देखो साइड में दिख रही है ना वो बस बन गया आपका केक प्रिटी सा फिर इसमें पिंक कलर बनाओ जो भी बनाओ बहुत अच्छा लगता है बट कॉन्ट्रास्ट में अगर ब्लैक लोगे ना ज़्यादा अच्छा लगता है। पब्लिक ट्राई करो ओके बाय।